नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार बच्चों, मैं मधुबाला राजपूत, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोटरवान सुल्तानाबाद से। नई एनर्जी के साथ आपको नया सिलेबस NCERT की नई बुक जो चालू होने वाली इस साल, आपको उस बुक का पार्ट जन आंदोलन पढ़ाने जा रही हूँ। नमस्कार बच्चों, पढ़ेंगे जन आंदोलन का अर्थ। जब शासन के द्वारा जनता की मनो इच्छाओं के अनुसार या उनके हित के अनुसार कार्य नहीं किया जाता है और जनता उसे ठीक नहीं समझती, या जनता को ऐसा प्रतीत होता है कि शासन के द्वारा उसके साथ जो कृत्य किया जा रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो एक जन आक्रोश जन्म लेता है। यह जनता के द्वारा जब उसका विरोध किया जाता है तो एक जन आक्रोश जन्म लेता है, और इस जन आक्रोश को ही क्या कहते हैं, जन आंदोलन कहा जाता है। मैं एक बार फिर आपको रिपीट करूंगी, जन आंदोलन का अर्थ ध्यान से सुनिए। जन आंदोलन का आशय एक ऐसे आंदोलन से है जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अपने कर्तव्यों या अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक से नहीं करते हैं, तब जनता क्या करती है, सरकार के विरुद्ध आक्रोशित हो जाती है। सरकार के विरुद्ध आक्रोशित होने के साथ ही वो किसी भी या तो हिंसात्मक रूप ले सकती है या सकारात्मक ढंग से अपनी बातों को मनवाने का प्रयास करेगी। तो जब जनता जन आक्रोश का रूप धारण कर लेती है तो ऐसे जन आक्रोश को ही हम जन आंदोलन कहते हैं। जन आंदोलन कहते हैं। अब हम सबसे पहला है, जन आंदोलन की प्रकृति किस टाइप से हो सकती है। जन आंदोलन किसी भी तरीके का हो सकता है, जो चीजें जो जिस प्रकार के विचार, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो, पर्यावरण सुरक्षा संबंधी हो, तो इस प्रकार से आंदोलनों की प्रकृति जो चीजें जिन चीजों के विरुद्ध हम आवाज उठा रही है, जनता जिन चीजों के विरुद्ध आवाज उठा रही है, वही उस आंदोलन की प्रकृति होती है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ जन आंदोलनों की प्रकृति के उदाहरण देना चाहूंगी। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन तो आपने ढेरों सुने होंगे, सती प्रथा, जाति प्रथा और किसान आंदोलन। दूसरा है राजनीतिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, पर्यावरण सुरक्षा संबंधी आंदोलन। पर्यावरण सुरक्षा संबंधी आंदोलन भी आपने बहुत से पढ़े होंगे, अधिकार सुरक्षा संबंधी आंदोलन। इस प्रकार अब हम पहला आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है चिपको आंदोलन। मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस चैप्टर को या इस आंदोलन को पहले भी बड़े ही अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो हम एक बार फिर पढ़ेंगे और हो सकता है कि आपकी पुरानी यादें में ताजा कर दूं। सबसे पहला, चिपको आंदोलन क्या है, यह शुरू कहां से हुआ। सबसे पहले चिपको आंदोलन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि इसकी शुरुआत कैसे। पहले मैं सरसरी तौर पे उसको सिंपल वे में आपको समझा देती हूं। 70 के दशक में जब 1970 का आसपास का एटमोस्फियर या समय चल रहा था, उसी के बीच एक नारा बहुत जोरों पे था या बहुत ज्यादा फेमस था, जिस नारे का नाम था, बाजों के साथ हिम पुत्रियों की ललकार। बाजों के साथ हिम पुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे। अर्थात इस स्लोगन के माध्यम से, इस नारे के माध्यम से गांव वाले अपने विचारों को या अपने प्रकृति प्रेम को प्रकट करने चाह रहे हैं। यह नारा आज भी सुनाई देता है। आज भी जब कभी पर्यावरण से सुरक्षा से संबंधित आंदोलन प्रारंभ होते हैं तो इस आंदोलन की आवाज पुनः गूंज उठती है। जब वनों की सुरक्षा के लिए लोगों में जागरूकता आती है और वे अपनी सुरक्षा के लिए शासन के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, उसे आज मैं आपसे कुछ ऐसे ही आंदोलन के बारे में चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में हुई थी।
आंदोलन का क्षेत्र उत्तराखंड है। इन शॉर्ट समझाना चाहूंगी पहले मैं आपको। तो इस आंदोलन की शुरुआत 1972 से शुरू वनों की अंधाधुंध एवं अवैध कटाई को रोकने के मुद्दे से 1974 में चमोली जिले के गोपेश्वर नामक स्थान पर हुई थी। रीजन ये था कि सरकार के द्वारा 25 वर्षीय विधवा महिला जो थी गोरा देवी नाम की, वही गांव में एक 25 वर्ष की महिला थी जिसके पति की मृत्यु हो गई थी, 23 वर्षीय महिला थी जिसके पति की मृत्यु हो गई थी। उसने देखा कि सरकारी वर्ग के कर्मचारी पेड़ों को काटने के लिए आ गए। इस आंदोलन की तरफ वृक्षों की सुरक्षा के लिए ग्रामवासियों द्वारा वृक्षों को पकड़कर चिपक गए। इसी कारण इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ गया। चिपको आंदोलनकारी महिलाओं द्वारा 1977 में एक नारा दिया गया जो काफी प्रसिद्ध हुआ। चिपको आंदोलनकार में जो महिलाएं थी उनों के द्वारा एक बहुत अच्छा नारा दिया गया था, क्या है इस जंगल के उपकार। महिलाएं पूरे देश को जागरूक करना चाह रही हैं कि क्या है इस जंगल के उपकार। मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार, उनका कहना था कि हमें वन के उपकारों को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए और यदि इनका कोई नुकसान हो रहा है तो हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। इसी के साथ जब महिलाओं उन पेड़ों से चिपकी तो उनके द्वारा एक नारा दिया कि ये वन हमारा मायका है और हम इसे हर हाल में बचाएंगे। चिपको आंदोलन को अपने शिखर पर पहुंचाने में पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में इस आंदोलन का कार्य क्षेत्र समग्र रूप से पर्यावरण की रक्षा हो गया तथा सुंदरलाल बहुगुणा जी ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया। इस प्रकार से मैंने आपको इस पाठ में 3-4 नारे सुनाए हैं। भले आप चिपको आंदोलन जब भी पढ़ें तो इन नारों को विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चों को भले थ्योरी भले जल्दी याद न हो परंतु कुछ रोमांचक बातें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। तो आप इन स्लोगन को याद करें। पहला, बाजों के साथ इन पुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले वन जागे वनवासी जागे, ठीक है। दूसरा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्या है इस जंगल की के उपकार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। एक और है जो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने चलाया था, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। इसी प्रकार महिलाओं ने भी एक नारा दिया था कि ये वन हमारा मायका है और हम इन्हें हर हाल में बचाएंगे, ठीक। अब मैं आपको इन शॉर्ट समझाना चाहूंगी। तो सबसे पहले चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, इसका क्षेत्र उत्तराखंड का एक चमोली जिला है जहां से ये प्रारंभ हुआ था। उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव था चमोली। कारण था इस आंदोलन के, कारण मैं बता देती हूँ कि आंदोलन किस कारण से प्रारंभ हुआ था। तो आंदोलन के कारण प्रारंभ होने का कारण था, सरकार ने खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए पेड़ों की कटाई से इनकार किया। वहां की जो जनता थी, सरकार के द्वारा वहां के लोगों को खेती बाड़ी का सामान बनाने से इनकार कर दिया गया था। परंतु खेती बाड़ी का सामान बनाने से इनकार कर दिया गया था परंतु वन विभाग ने गांव वालों को खेती बाड़ी के औजार बनाने से तो इनकार कर दिया और काटने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। और ये जमीन खेल सामग्री के एक खेल सामग्री नाम की एक कंपनी बनाती थी जिसका नाम साइमन कंपनी था, उस कंपनी को व्यापारिक इस्तेमाल के लिए दे दी। कारण मेरा ध्यान से सुनिए, सरकार ने खेती बाड़ी और औजार बनाने के लिए पेड़ों की कटाई से इनकार कर दिया। इनके लिए गांव वालों के लिए, बल्कि खेल सामग्री के लिए कटाई की क्या कर दी, अनुमति प्रदान कर दी। इस आंदोलन का एकदम नया पहलू यह था कि इससे सामाजिक आंदोलन के साथ महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी। मांगे क्या थी आम लोगों की, इस आंदोलन से संबंधित मांगे थी, पहला, स्थानीय लोगों का जल जंगल जमीन जैसे प्राकृतिक साधनों पर नियंत्रण, ये मांग थी इस आंदोलन की। अर्थात महिलाएं किस उद्देश्य से पेड़ से चिपकी थी, उनके पेड़ों से चिपकने का मेन कारण क्या था। उनका मेन कारण यही था कि स्थानीय लोगों का जल जंगल जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण। उनका यह कहना था कि यदि सरकार व्यापारिक कंपनियों को पेड़ काटने की अनुमति दे सकती है तो हम तो बहुत ही सीमित मात्रा में लकड़ी का उपयोग करते हैं और वे भी कृषि कार्यों में हम उसका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार जंगल जमीन और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण होना चाहिए। दूसरी मांग ये थी उनकी
कि सरकार लघु उद्योगों के लिए कम कीमत पर सामग्री उपलब्ध कराए। ग्रामीण लोगों को अपना विकास करना होता है, विकास के लिए उन्हें कुछ जरूरी चीजों की आवश्यकता होती है, परंतु उनके पास इतना धन नहीं होता है कि वो लघु उद्योग स्थापित कर सके। तो ऐसी स्थिति में उनकी मांग थी कि हम स्वयं वस्तुओं को आपको उपलब्ध कराएंगे जिनकी आप व्यापारिक कंपनियों से मांग कर रहे हैं, बस आप हमारे मदद कीजिए और हमें साधारण या सिंपल मात्रा में या उस उचित मूल्य पर सामग्री उपलब्ध कराएं। अगला और भी मैं आपको थोड़े बहुत पॉइंट बता देती हूँ कि क्षेत्र के पारस्परिक तंत्र पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाए बिना किसान विकास सुनिश्चित करें। मतलब सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करे कि जिससे कि पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान न हो। यदि पेड़ काटे भी जाते हैं तो इस प्रकार की सरकार के द्वारा व्यवस्था की जानी चाहिए कि पेड़ों को किसी प्रकार का नुकसान अगर होता भी है तो इसके बदले में नए पेड़ लगाए जाए, या इस एक यदि एक पेड़ काटा जाए तो दो पौधे लगाए भी जाए। इस प्रकार वहां के लोगों का कहना था कि क्षेत्र के पारस्परिक तंत्र को नुकसान पहुंचाए बिना विकास सुनिश्चित किया। एक मांग उनकी और थी, महिलाओं ने शराबखोरी के खिलाफ भी आवाज उठाई। महिलाएं वहां की, पुरुष उतने वहां के जागरूक नहीं थे। उनके जागरूक न होने का एक कारण उनका शराब का सेवन करना था। शराब के सेवन करने से व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति होती है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाती है। वो उसके मानसिक तंत्र सही ढंग से काम नहीं कर पाता है। जब पुरुष वर्ग का मानसिक तंत्र ठीक ढंग से काम नहीं करता है तो उनके द्वारा महिलाओं पर घरेलू हिंसा बढ़ जाती है। महिलाओं पर तरह तरह की प्रताड़ना, महिलाओं को विभिन्न तरीका से प्रताड़ित किया जाता है। यदि पुरुष जागरूक होंगे तो गाँव को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। इस प्रकार महिलाओं ने शराबखोरी के विरुद्ध भी आवाज उठाई। आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? आंदोलन का परिणाम, सरकार ने 15 साल के लिए हिमालयी क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। मैंने आपको अभी हाल ही बताया है कि सरकार ने जो सुंदरलाल बहुगुणा थे उन्होंने एक नारा दिया था, हिमालय बचाओ हिम बचाए। उस नारे के अनुसार ही सरकार ने वहां पर महिलाओं का विरोध और सुंदरलाल बहुगुणा का विरोध के अनुसार 15 साल तक वनों की कटाई पर क्या कर दी, रोक लगा दी। प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे और गोरा देवी के बारे में मैंने जब शुरू में आपको समझाया था उसी समय बताया था कि ये 23 वर्षीय विधवा महिला थी। वनों की सुरक्षा के लिए सबसे पहले यही पेड़ों से कटी थी और पेड़ों से जाकर चिपकी थी। इन्हें देखकर अन्य महिलाएं पेड़ों से जाकर चिपक गईं। जब ये महिलाएं दिन और रात इन पेड़ों से चिपकी रही, बात सुंदरलाल बहुगुणा जी को पता चली। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इसे एक आंदोलन का रूप दिया। उन्होंने पैदल यात्रा करते हुए वहां उस गांव तक पहुंचे और सरकार से गुहार लगाई कि महिलाओं को न्याय मिले। परिणाम स्वरूप न्याय यह मिला कि सरकार ने 15 साल के लिए हिमालय क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। अब है दल आधारित आंदोलन। दल आधारित आंदोलन, जाति प्रथा आंदोलन, किसान सभा आंदोलन और मजदूर संगठन आंदोलन प्रमुख है। दल आधारित आंदोलन तरह तरह के होते हैं। दल आंदोलन जाति संबंधित भी हो सकते हैं, किसान संबंधित भी हो सकते हैं, मजदूर संबंधित हो सकते हैं, दल संबंधित भी हो सकते हैं। दल आंदोलन जो मैंने आपको प्रकृति बनाई बताई है ये उसी प्रकार उसी पर आधारित दल आंदोलन है। अब हम पढ़ेंगे दलित पैंथर दल। दलित पैंथर दल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा पहले इन शॉर्ट समझाना चाहूंगी, उसके बाद ही हम आगे पढ़ेंगे। पहले आप लोग देख लें दल आधारित आंदोलन किस प्रकार का होता है। दल आधारित आंदोलन ब्रिटिश औपनिवेशिक दौर में, ब्रिटिश औपनिवेशिक दौर मतलब समझते हैं ना आपको, यदि कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी कमजोर राष्ट्र को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लेता है और उस पर अपनी नीतियों को लागू कर देता है उसे औपनिवेशिक राज्य कहते हैं। तो ब्रिटिश राज्यों ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके भारत को अपना गुलाम बना लिया था। उसी दौर में सामाजिक आर्थिक मसलों पर भी अनेक आंदोलन हुए। उनके द्वारा हमारा शोषण किया गया, उस समय हमने अनेक सामाजिक आर्थिक आंदोलन करे। आर्थिक आंदोलन आपको याद होंगे, चंपारण आंदोलन, पारदोली आंदोलन,
किसान आंदोलन, नीली क्रांति आंदोलन, ये इस प्रकार के आर्थिक आंदोलन थे। सामाजिक आंदोलन आपको होगा, पता होगा, सती प्रथा विरोधी आंदोलन जो राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया था, वो फाइनली सरकार ने सती प्रथा पर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। मसलों पर अनेक आंदोलन हुए हैं जिसमें अनेक स्वतंत्र सामाजिक आंदोलन का जन्म हुआ है। जाति प्रथा मैंने आपको बता दिया, किसान आंदोलन, सती प्रथा, मजदूरी संगठन आंदोलन प्रमुख है। कुछ ऐसे आंदोलन जो आजादी के बाद भी चलते रहे, ये तो आजादी के समय थे जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे। कुछ आंदोलन ऐसे थे जो आजादी के बाद भी चलते रहे, जो प्रमुख है, मुंबई, कलकत्ता, कानपुर मजदूर संगठनों के आंदोलन थे। मुंबई, कलकत्ता, कानपुर मैंने आपको बता दिया है या बता रही हूँ कि ये महानगर है। महानगर में इंडस्ट्रियल होता है, मतलब औद्योगिक क्षेत्र विस्तृत होता है। वहां पर मजदूर वर्ग काम करता है, मजदूर वर्ग को वे सुविधाएं नहीं दी जाती हैं जो कि उन्हें प्रदान की जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में ये मजदूर अपनी मांगों को रखने के लिए अपने उद्योगों पर दबाव बनाते हैं या शासन पर दबाव बनाते हैं, शासन से आग्रह करते हैं कि शासन उन्हें ये सुविधाएं प्रदान करें जो एक मजदूर वर्ग को दी जानी चाहिए। तो ये आजादी के समय के आंदोलन चल रहे हैं। आजादी के बाद के सभी बड़ी पार्टियों ने इस तबके के मजदूरों को लामबंद संगठित करने के लिए अपने अपने मजदूर संगठन बनाए। सभी बड़ी जो बड़ी बड़ी पार्टियां थी, यदि कोई दल ने विरोध किया है तो आपने देखा होगा दूसरे दल उसका सपोर्ट कर देते हैं। आप लोग देख रहे हैं भारत में भी किसान दल का भी एक, किसान आंदोलनों का भी एक दल है, मंदसौर किसान हत्याकांड भी आपको याद होगा अगर आप न्यूज देखते हैं तो। इस तरीके के से जो आंदोलन होते हैं उनको दल का सपोर्ट मिल जाता है और इस प्रकार से ये दल आधारित आंदोलन बन जाते हैं। और इन्हें लामबंद करने के लिए दल, जो दल होता है वो अपनी ओर से पूरी कोशिश करता है कि इन व्यक्तियों का या इन मजदूरों का समर्थन इस दल को मिल जाए। अगला है दलित पैंथर आंदोलन। दलित पैंथर आंदोलन, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका उद्देश्य था जाति आधारित सामाजिक अन्याय का विरोध। इस आंदोलन को मैं पहले इन शॉर्ट तरीके से आपको समझाना चाहूंगी। यह आंदोलन जाति आधारित असमानता के खिलाफ झुग्गी बस्तियों द्वारा महाराष्ट्र में चलाया गया। आपने कोरोना जैसी महामारी के बारे में सुना होगा। मुंबई में एक धारावी नाम का क्षेत्र है जहां पर एशिया की सबसे ज्यादा झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, और इस शब्द को आए दिन समाचार पत्रों में बोला जा रहा है कि धारावी में एशिया के सबसे ज्यादा झुग्गी झोपड़ी में निवास करने वाले लोग रहते हैं। इसी प्रकार से ये दलित पैंथर आंदोलन है, ये भी मुंबई के महाराष्ट्र में शुरू हुआ था और ये भी झुग्गी झोपड़ी बस्तियों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। 1972 में दलित युवाओं ने दलित पैंथर नामक संगठन बनाया। 1972 में दलित जो वर्ग थे उसमें जो युवा वर्ग था उन्हें अपना शोषण के विरुद्ध उन्होंने अपने शोषण के विरुद्ध एक आंदोलन का गठन कर लिया, जिस गठ आंदोलन का नाम था दलित पैंथर संगठन। इसका उद्देश्य जाति आधारित सामाजिक अन्याय का विरोध एवं आरक्षण एवं सामाजिक न्याय की नीतियों के कारगर क्रियान्वयन की मांग उठाना था। इस आंदोलन के जो युवा वर्ग था उनका कहना था कि सामाजिक अन्याय, जो सामाजिक जो निचले तबकों के साथ या दलित वर्ग के साथ जो अन्यायपूर्ण नीति अपनाई जाती है, छुआछूत की नीति अपनाई जाती है, उन्हें नीचा माना जाता है, उन्हें अभद्र शब्द कहे जाते हैं, उसके विरुद्ध उनकी आवाज उठाना था के विरुद्ध आवाज उठाना था। इसके साथ ही उनका आग्रह कहना था कि शासन के द्वारा जो आरक्षण की जो पॉलिसी लागू की गई है या जो आरक्षण की जो नीति लागू की गई है उसका लाभ पूरी तरीके से इन दलित वर्गों को नहीं मिल पा रहा है, अतः शासन इसके लिए उचित प्रयास करे। दलित पैंथर का एजेंडा जाति प्रथा को समाप्त करना था। उनका पहला एजेंडा यही था कि किसी भी या हर हाल में जाति प्रथा संबंधी आंदोलन संबंधी प्रथा को समाप्त कर दिया है, तथा भूमिहीन गरीब किसान, शहरी औद्योगिक मजदूर और दलित सहित सारे वंचित वर्गों का एक संगठन खड़ा करना था।
जो दलित पैंथर था उसकी पहला एजेंडा यही था कि जाति प्रथा को पूरी तरीके से वो समाप्त करना चाहता है। उसका मानना है कि संविधान जब समानता का अधिकार दे रहा है हमें और आर्टिकल 17 जब हमें छुआछूत का निषेध का अधिकार दे रहा है तो किसी भी हालत में इस प्रकार का व्यवहार हम सहन नहीं करेंगे। अगला उनका उन्होंने अपना एक और एजेंडा बनाया जिसमें उन्होंने गरीब किसान भूमिहीन गरीब शहरी और औद्योगिक मजदूर जो शहरों में काम करे वाले मजदूर भी और मुंबई जैसा क्षेत्र जो उद्योगों से समृद्ध है वहाँ के मजदूर और दलित जितने भी महाराष्ट्र में दलित वर्ग है या पूरे देश के दलित हैं उन सभी के सहित जितना भी वंचित वर्ग है जरूरी नहीं दलित वर्ग हो, यदि ऐसा और कोई वंचित वर्ग है चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय का हो वंचित वर्ग को एक साथ संगठित करना इसका एजेंडा था। इस दलित पैंथर से रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट की ओर ले जाना चाहूंगी क्योंकि पढ़ पढ़ के आप लोग भी बोर हो जाते हैं, तो एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी उससे इसी दलित पैंथर से रिलेटेड। आपने भी रजनीकांत आपका फेवरेट हीरो होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, कुछ बच्चों को साउथ इंडियन हीरो हीरोइन की पिक्चर बहुत अच्छी लगती है। साउथ इंडियन हीरो में सबसे फेमस आपको पता होगा रजनीकांत है, मुझे भी पसंद है उनकी मूवियाँ। तो रजनीकांत की आपने काला मूवी देखी होगी, काला पिक्चर मूवी देखी होगी जिसमें रजनीकांत थे, वो मूवी में एक व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं, करिकालन व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं। करिकालन के साथ भी लगातार शोषण होता है, वो भी एक धारावी क्षेत्र का, मुंबई के धारावी क्षेत्र का ही निवासी था। जस्ट स्टार्टिंग में मैंने बता दिया है कि सबसे ज्यादा धारावी मुंबई के धारावी क्षेत्र में एशिया के सबसे ज्यादा झुग्गी झोपड़ियों में बसने वाले लोग रहते हैं, तो ये पिक्चर उसी पर आधारित है। रियलिटी निश्चित नहीं है कि ये वहीं पर आधारित है, परंतु जैसा दलित पैंथर का हम पढ़ रहे हैं उसी तरीके का ये उदाहरण है जिसमें करिकालन नाम का एक व्यक्ति है जो युवा वर्ग को संगठित करता है, लोगों को एकजुट करता है और क्रूर राजनेता हरिभाऊ, अगर आप मूवी नहीं देखी है तो एक बार आप फिर देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है जिससे आपको नॉलेज भी मिलेगा और कुछ अच्छा सीखने को भी मिलेगा और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता भी आएगी। करिकालन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को एकजुट करता है और क्रूर राजनेता हरिभाऊ को उसकी जमीन पर कब्जा कराना चाहता है, मतलब जो हरिभाऊ था वो क्या करता है लोगों को शोषण करता है और उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेना चाहता है। करिकालन ने उन सभी व्यक्तियों को दलित वर्गों को एकत्रित किया और अपनी जमीनों को लड़ने के लिए हरिभाऊ के खिलाफ लोगों को खड़ा कर दिया। इन शॉर्ट मैंने आपको समझा दिया है दलित पैंथर आंदोलन किसके विरुद्ध शुरू हुआ, उसका अपना एजेंडा क्या था, उसको किस चीज का सहयोग मिला, उनका मेन आंदोलन को तैयार करने का मेन मुद्दा क्या था। अब इन शॉर्ट तरीके से हम एक बार देख लें, दलित पैंथर दल का प्रमुख उद्देश्य था जाति आधारित सामाजिक अन्याय का विरोध, जाति के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसका विरोध करना, यह था दलित पैंथर आंदोलन का उद्देश्य। दलित पैंथर आंदोलन की शुरुआत 1972 में हुई थी, इसका क्षेत्र मैं आपको बता देती हूँ महाराष्ट्र था, कारण मेन कारण था झुग्गी झोपड़ियों के लोगों के साथ असमानता, उन्हें नीचा दिखाया जाता था, उनके साथ शब्दों का उपयोग किया जाता था, उन्हें बार बार रियलाइज किया जाता था कि वे समाज में रहने योग्य व्यक्ति नहीं है। जिस समुदाय को ये बिलोंग करता है या जिस समुदाय से यह संबंध रखता है उस समुदाय का नाम है दलित वर्ग। मांगे थी दलित पैंथर दल की बहुत सी मांगे हैं जो हम देख रहे हैं आगे, जाति आधारित असमानता के खिलाफ आवाज उठाना, जब संविधान हमें समानता का अधिकार दे रहा है तो फिर समाज के दूसरे व्यक्तियों को हमारे इस अधिकार को या सामान्य व्यक्तियों के अधिकार को छीनने का अधिकार नहीं है, ऐसा दलित पैंथर का कहना था। दूसरी मांग उनकी कानून व सामाजिक नीतियों के कारगर क्रियान्वयन की मांग, यदि शासन दलित वर्ग या एसटी एससी ओबीसी किसी भी वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है तो उस व्यवस्था को पूरी ढंग से या व्यवस्थित ढंग से लागू किया जाना चाहिए ताकि उसका लाभ उस वर्ग विशेष को मिल सके और वो भी सामान्य वर्ग के समकक्ष लाकर खड़ा हो सके। तीसरी मांग
दलित महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार का विरोध करना। अधिकांश तौर पर दलित महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था, युवा वर्ग ने उसके खिलाफ बड़ी कठोरता से वह आवाज उठाई। दलितों में शिक्षा का प्रसार करना, उनका कहना था कि दलितों के लिए सरकार को विशेष प्रयास करने चाहिए ताकि वह बच्चे भी शिक्षित हो सके और अपने क्षेत्र का विकास कर सके, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। पांचवी मांग, किसान मजदूर दल किसान मजदूर और वंचित वर्ग को अधिकार दिलाना। सरकार का यह प्रयास करे कि किसान मजदूर जो वंचित वर्ग जिसके पास एक्चुअली वो सुविधाएं होनी चाहिए पर उनके पास वो सुविधाएं होती नहीं है, तो सरकार के द्वारा इन व्यक्तियों को अधिकार दिलाने का प्रयास करना चाहिए। और यदि सरकार उनके अधिकारों को प्रयास नहीं करेगी तो वे स्वयं अपने अधिकारों की मांग करेंगे या अपने अधिकार प्राप्त करेंगे। इस आंदोलन की, कोई भी आंदोलन हो, हर आंदोलन अपनी गतिविधियां अपनाता है। आंदोलन की गतिविधियां थी, इन्होंने अपनी कविताएं लिखी, बहुत अच्छी अच्छी कविताओं के माध्यम से सरकार को प्रभावित करने की कोशिश करी, चित्र बनवाए और इस प्रकार रचनात्मक ढंग से इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी। दलित युवकों ने आगे बढ़कर अत्याचारों का विरोध किया। समाज के जिन वर्गों के द्वारा, उच्च वर्गों के द्वारा जो दलित वर्ग के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था, उसके खिलाफ दलित युवाओं ने आगे बढ़कर अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। परिणाम इस प्रकार, मांगे पूरी हो गई। परिणाम क्या होता है कि परिणाम यह होता है कि 1990 में सरकार ने कानून बना दिया। सरकार के द्वारा नागरिकता संरक्षण कानून बना दिया गया। और परिणाम देखते हैं, दलित पैंथर का राजनीतिक पतन। जो दलित पैंथर जो जिसका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था जाति प्रथा के विरुद्ध, उस दल को जब सरकार के द्वारा सांत्वनाजनक सांत्वनाजनक हल मिल गया, अर्थात सरकार ने उसे कानून बनाकर दे दिया गया, तो ऐसी स्थिति में दलित पैंथर नामक का जो दल था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। उसे जो चाहिए था उसे मिल गया, जैसे उसे जो चाहिए था वो मिल गया, इसलिए उस दल का अंत हो गया। बामसेफ नए दल का जन्म, इसी दलित पैंथर के व्यक्तियों ने एक बामसेफ दल, नए दल का गठन कर लिया। गठन कर लिया तो जो दलित पैंथर था वो केवल दलितों से संबंधित था। अब जब दलित पैंथर्स का अंत हुआ तो उसके साथ बामसेफ नए दल का जन्म हुआ। बामसेफ इसका नाम क्यों रखा वो मैं आपको बता देती हूँ। बी का मतलब होता है बैकवर्ड, ए का मतलब होता है एंड, माइनॉरिटी क्लासेस, सी का क्लासेस, एम्प्लॉयर्स और फेडरेशन, अर्थात इसमें इसने केवल दलित वर्ग को ही सम्मिलित नहीं किया बल्कि अन्य बैकवर्ड वर्ग और वंचित वर्ग को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। इसलिए अब जाति आधारित आंदोलन न होकर आवश्यकता आधारित आंदोलन बन गया था। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1442 5 पर संपर्क करें।